हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विलेज में जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह विलेज बहुत ही सुंदर है। यह विलेज मनाली के पास है। इस विलेज का नाम है कोकसर। तो जानते हैं हम इस विलेज में कैसे पहुंचे। तो हेलो गाइस, आप आगे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के ऊपर कितनी ज्यादा स्नो दिख रही है और इतनी ज्यादा क्लाउड्स भी है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सीन। आप आके देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हमको अभी दिख रहे हैं, जो कि स्नो से बहुत ज्यादा कवर्ड है, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स भी दिख रहे हैं। अभी हम रास्ते पे ही हैं। अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कोकसर। वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होएगी मुझे लगता है। और आप और देख सकते हैं आगे और भी पहाड़ हमें दिख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं विद स्नो।
आगे देख सकते हैं आपको कितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं विद स्नो एंड क्लाउड्स। भी हम एक टनल से होकर आए हैं, इसलिए मेरा जो टनल का सीन था वो कट हो गया इंटरनेट के इशूज की वजह से। तो आप देख सकते हैं अभी हम दूसरे साइड पे आ चुके हैं माउंटेन के। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ दिख रही है हर जगह, क्योंकि ये माउंटेन्स की तरफ से अंदर इनर व्यू है माउंटेन्स का। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा स्नो है और क्लाउड्स है, और यहाँ पे स्नो के साथ साथ ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा। आप आगे देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्नो हमें दिख रही है। आज आप देख सकते हैं कि हम अटल टनल पे पहुंच चुके हैं। अटल टनल के दूसरी तरफ ही कोक्सर की तरफ से एक रास्ता और सिसु की तरफ से भी एक रास्ता आता है। पर आप देख सकते हैं इनका पूरा व्यू पूरे सारे माउंटेन्स का। हम बाई टैक्सी आए, आप बस और खुद की प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं, और आप इस जगह का व्यू देखिए, अमेजिंग। हम अटल टनल की दूसरी तरफ से आ चुके हैं। यहाँ पे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ये आसपास स्नो के सारे कवर माउंटेन्स में। हमें इसमें यहाँ तक तो ये मनाली से ही आपको टैक्सी मिल जाती है, या फिर बस में भी आ सकते हैं, पर ज्यादातर टैक्सी ही से मिलती है। बस एक में बहुत लोअर चांस है मिलने का, और यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 minutes लगे हैं मनाली से, और मैंने वीडियो में से कट करके स्पीड अप करके 13 minutes में दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, और ये पूरा ही स्नो से कवर होएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें, अगर आपने कोक्सर जाना है तो आप
तो आप मार्च या अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्फ भी दिखने को मिल जाएगी। अगर आपने रोहतांग पास जाना है वो तो जुलाई, मिड जून और जुलाई में खुला होता है, पर मनाली में सबसे अच्छा टाइम है फरवरी या नवंबर में होता है, कि अगर आपको मिड टाइम जाना है, क्योंकि उस वक्त में आपको स्नो देखने को मिल सकती है। दिसंबर जनवरी में तो बहुत ही ज्यादा वहां पे कोल्ड होता है, और इन 2 महीनों में आपको बहुत ज्यादा मनाली में स्नोफॉल भी दिखने को मिल सकती है, और आप इस रास्ते को एंजॉय करिए, बड़ा वंडरफुल व्यू। हम अभी हम कोकसर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीपल को देख सकते हैं। एक कोकसर के साइड में आपको एक रिवर जाती है, और रिवर के ऊपर एक पुल बना है, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं कोकसर। आप देख सकते हैं ये है कोकसर, इसमें आसपास बर्फ ही बर्फ है। हम यहाँ पे मिडल अप्रैल में गए थे, और मैं जी कैसा कह रहा था कि यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, उसकी दूसरी तरफ यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी मिल जाती है करने को, लाइक एटीवी, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और असेक्ट्रा। बट मैंने यहाँ पे एटीवी राइड ली, और यहाँ पे इतने सारे स्नो माउंटेन्स होंगे कि आपको लगेगा कि वट्टा वंडरफुल व्यू। और एक आपको फील्ड मिल जाएगी स्नो की, या फिर आप ग्राउंड बोल सकते हैं, यहाँ पे आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो ये उनके लिए परफेक्ट जगह है खेलने के लिए, वरना मनाली में, जो मनाली में जगह नहीं होती क्योंकि वो एक सिटी है, पर अक्सर ये विलेज, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आता है खेलने में। देख सकते हैं इतने सारे माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स भी हैं, आप इन पे क्लाइंब करके या फिर ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा। हेलो गाइस, अभी हम कोकसर
कोक्सर के वापस जा रहे हैं मनाली। कोक्सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हमने कोक्सर में बहुत ही एंजॉय किया। तो चलो अब मिल के देखते हैं कोक्सर का वापसी का रास्ता। हेलो दोस्तों,
अगर तुसी लोगों नू यह वीडियो अच्छी लगी हुई ता लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और हम ऐसी वीडियो तुहाडे वास्ते बनांदे रहेंगे। धन्यवाद।